हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बालूशाही की रेसिपी लेके आए हैं। अभी लगातार फेस्टिवल है तो ये रेसिपी हमने काफ़ी बार बनाई है, तो सोचा इस बार आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करते हैं। ये बनाने में भी आसान है, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जो जो ट्रिक बताएं उस हिसाब से आप इस रेसिपी को बनाएं तो आपकी बालूशाही बहुत अच्छी बनेगी। तो हमने ये 350 ग्राम मैदा लिया है, ग्राम्स में 350 ग्राम है, और कप से नापें तो 2.5 कप मैदा है। कोई आप जैसे हमारे पास मेजरमेंट कप हैंगे, आप कोई भी एक कटोरी से मेजरमेंट करके मैदा ले सकते हैं। और ये 1/2 कप देसी घी लिया है, ये ग्राम्स में 100 ग्राम घी है हम इसमें डालेंगे। और 1 पिंच सॉल्ट लेंगे, नमक, और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है, ऐसी सीसी मार्केट में आराम से मिल जाती है बेकिंग पाउडर की। तो 1 चम्मच हम बेकिंग पाउडर लेंगे और थोड़ा सा पानी लेंगे। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम 1 पिंच नमक लेंगे, सिर्फ 1 पिंच नमक लेना मुझे। इस नमक से थोड़ा बालूशाही में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये रेसिपी मैंने हलवाई से सीखी है और बिल्कुल अच्छी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें बताते जाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिला लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें। अब इस टाइम हम इसमें घी ऐड कर देंगे। आप चाहो फ्राई करने के लिए घी या तेल ले सकते हो, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना तलने के लिए, सिर्फ रिफाइंड ऑयल और घी ले सकते हो, पर इसके अंदर देसी घी ही डालें, इससे क्या ना बालूशाही का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम इनको अच्छे से मिला लेते हैं। और इसको ना हमें डो की तरह नहीं मारना, जैसे पूरी और रोटी का डो लगाते हैं, वैसा नहीं करना है। सिर्फ इसको हमें एक दूसरे में बांधना है। उससे क्या होगा, इसमें जो लेयर बनेगी ना बहुत अच्छी लेयर आ जाएंगी और बालूशाही हमारी बहुत लेयर वाली बनेगी। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इस डो को सिर्फ बांधना है, मलना नहीं है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहे हैं और इस डो को सिर्फ एक दूसरे में बांध रहे हैं। ये डो बन के रेडी हो गया है, इसको थोड़ा सॉफ्ट डो ही बनाना है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, इसको ढक देते हैं, इसको ढक दिया 5 मिनट के लिए, जब तक हम इसकी चाशनी रेडी कर, गैस को ऑन कर लेते हैं। इसमें 1 कप पानी डालेंगे, इसी कप से हम 2 कप चीनी लेंगे। ग्राम्स में ये 400 ग्राम चीनी है, इसको भी ऐड कर देते हैं। चाशनी को बनने देते हैं। इस चाशनी को बहुत पतला नहीं बनाना है और ना बहुत गाढ़ा बनाना। पतला बनाओगे तो बालूशाही सॉगी हो जाएंगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, और चाशनी गाढ़ी रखोगे तो बालूशाही के ऊपर चीनी की परत आ जाएगी। इसलिए हमको ये चाशनी एक तार की बनाना, जो कि हम आपको बताते जाते हैं। चाशनी बन के रेडी हो गई है, हम जो ड्रॉप गिरा रहे हैं तो थोड़ी देर से आ रहा है। तो ये चाशनी बन के रेडी हो गई एक तरह की। अब इसमें चाशनी जमे नहीं, तो हम इसमें ना 1/2 टीस्पून नींबू डालेंगे, इसमें जो क्रिस्टल नहीं बनेंगे, या 1/2 टीस्पून से कम नींबू डालेंगे, रस नींबू का, तो ये जमेगी नहीं। और गैस को हम अभी बंद कर देते हैं। चाशनी हमारी बन के रेडी हो गई। इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे, चाहे आप इलायची को कूट के डाल सकते हो।
और इसमें फूड कलर ऐड करेंगे ऑरेंज, चार पांच ड्रॉप ऐड कर देंगे। और आप नहीं डालना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। इनको अच्छे से मिला देते हैं। चाशनी बन के रेडी हो गई है। अब हम बालू शाही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक तार की चाशनी बन के रेडी हो गई है, आपको तार भी दिख रहा होगा। बस इतना ही हमें चाशनी रेडी करनी है, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं करनी, नहीं तो बालू शाही के ऊपर जम जाएगी। अब बालू शाही का डो रेडी हो गया है, देखो कितनी लेयर वाला डो बना है। अब इनको मसलेंगे नहीं, इसको ऐसे निकाल लेंगे फॉर्म पे। इसमें से एक छोटी सी बॉल निकालेंगे और इसको होल करेंगे। ये लेयर अलग से ही दिख रही है इसमें। अब चाहे आप फिंगर से इसमें छेद कर दें या बेलन से भी कर सकते हैं। हमें छेद ऐसा करना है कि आर पार हो, उससे क्या होगा अंदर तक अच्छे से सिक जाएगी। और बालू शाही हम रेडी कर लेते हैं। सारे बालू शाही अच्छे से बन के रेडी हो गई, लेयर आपको अलग दिख भी रही होंगी। और घी को हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना गर्म हो जाए, थोड़ा सा गर्म घी चाहिए अभी हमें इसमें। और लो फ्लेम पे ही हमें इसको सेकना है शुरू में, बाद में मीडियम कर देंगे। हमें घी इतना गर्म करना है जैसे हम एक बालू शाही का छोटा सा टुकड़ा लेके इसमें डाल रहे हैं, वो फूल के ऊपर आ जाए। ये फूल के ऊपर आ गया है तो हम इसमें बालू शाही डाल देते हैं। अभी हमने गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे किया है, बाद में हम इसको मीडियम कर देंगे। आपकी कढ़ाई में जितनी बालू शाही आए उतने ही डालें, क्योंकि डालने के बाद थोड़ी सी ये फूलती है। अभी हमें इसको टच नहीं करना, एक साइड में सीख जाएंगी, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। अभी थोड़ी देर में हम इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे। हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन आप दबाएंगे तो उसको आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि बालू शाही का साइज बड़ा हो गया है, अभी नीचे से नहीं सीखी है। नीचे से लाइट गोल्डन कलर की हो जाएंगी, फिर हम इसको पलटेंगे। आप बीच बीच में गैस की फ्लेम को कम ज्यादा कर सकते हैं। नीचे से थोड़ा गोल्डन हो गई तो हम इनको पलट देते हैं। आप देख सकते हैं कि बालू शाही की कितनी सारी लेयर है अपने आप खुलती जा रही है। बालू शाही अच्छे से सिक गई है। अब इनको हम चाशनी में डाल देते हैं। अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो थोड़ी सी गर्म करो। चाशनी में हम इसको 3-4 मिनट तक रहने देंगे, जिससे चाशनी अच्छी सी बालू शाही में आ जाए और जूसी बन जाए बालू शाही। बालू शाही के ऊपर से ऐसा चाशनी ऊपर से डाल दें, जिससे क्या ऊपर से भी अच्छे से चाशनी अंदर चली जाएगी और बालू शाही बहुत जूसी बनेगी। आप इनको 3-4 मिनट तक चाशनी में ही रहने दें। हम इसको एक जाली पर निकाल लेते हैं, जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे निकल जाएगी। बालू शाही बन के रेडी हो गई है। हमने इसमें चांदी का वर्क और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट किया है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और आपको दिखाते हैं कि बालू शाही कितनी सॉफ्ट जूसी बनी अंदर से, एकदम जूसी लेयर वाली बालू शाही बन के रेडी हुई है।